अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में बंद हुए स्कूल 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो गए हैं, जिसके बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले के 2 स्कूलों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। सबसे पहले मंत्री डोटासरा ने बालिका बजाज रोड स्कूल पहुंचे, जिसके बाद प्रदेश मंत्री चंदपुरा राजकीय स्कूल गए, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद शिक्षकों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही शिक्षा मंत्री डोटासरा छात्रों से भी रूबरू हुए और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। हाँ सर, आज दूसरा दिन है विद्यालय खुलने के बाद में, तो हमने बालिका विद्यालय जो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है सीकर का, इसका निरीक्षण किया है और ये पाया है कि इसमें अभी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, जो पंजीकरण है उसके हिसाब से 50% ही बच्चे आए हैं। इसकी कुछ वजह तो ये है कि कल बारिश हुई और यहाँ पर बारिश में अंदर आना बड़ा बच्चों के लिए दिक्कत वाला है। पुराना स्कूल है, खड्डे के अंदर है और सामने भी रोड में भी खड्डा है। इसके लिए स्थानीय विधायक राजेंद्र जी पारिक साहब कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि इस स्कूल को इस तरीके से बनाएं कि बच्चों को बारिश में दिक्कत नहीं हो और विद्यालय अच्छे तरीके से संचालित हो, क्योंकि बालिकाओं का विद्यालय है और बालिका शिक्षा हमारे सरकार का, मुख्यमंत्री जी का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का विषय रहता है। तो हमने इसको इस संदर्भ से भी आज देखा है कि इसका रिनोवेशन या इसकी जगह नई बिल्डिंग कैसे बन सकती है, इसका भी हम लोग विभाग में एग्जामिन करेंगे।